दोस्तों, तो जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से और टाइटल के माध्यम से समझ चुके हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी गुरु जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और यदि आपको कोई क्वेरी या प्रॉब्लम है, सुझाव देना हो तो आप व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। और दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, दो फोटो, ये जिसमें एक तो ये है, एक और फोटो जिसमें वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि बहुत कम नंबर के बावजूद भी, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर के बावजूद भी उनका नॉट एलोटेड, यानी उनको सीट अलॉट नहीं है। 84 कुछ नंबर थे, वो मैंने देखी थी, वो मुझे इमेज नहीं मिल पा रही है, उनकी भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो मैंने पूरी जाँच पड़ताल की, उनका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाली, तो वो बिल्कुल इनवैलिड बताया गया। और दोस्तों, अब ये फोटो बहुत वायरल हो रही है कि जो ये नंबर शुरुआत में आए थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने नंबर कैसे बढ़े दोस्तों। तो इतने नंबर ये बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, ये भी बिल्कुल फर्जी तरीके से एडिट करके बनाई हुई है। जबकि मैंने इनका ओरिजिनल पता किया तो इनके 84.53 थे यहाँ, और नॉर्मलाइजेशन के बाद 1 से 2 नंबर कम हुए हैं दोस्तों। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 1 से 2 नंबर कम हुए, फिर इस हिसाब से इनको मेरिट में इनका नाम आया। और दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन में कभी भी इतने नंबर नहीं बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन मतलब पेपर का थोड़ा टफ या कठिन या इजी आ जाए तो उस हिसाब से नंबर का थोड़ा 1 से 2 नंबर या 3 से 4 नंबर तक होता है दोस्तों, इतने नंबर कभी भी नहीं बढ़ते हैं। तो ये जो वायरल फोटो की जा रही है व्यापम के खिलाफ, ये ऐसा किया जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप अपनी मेहनत कीजिए, एफर्ट कीजिए, सक्सेस आप ज़रूर होंगे। और जो सक्सेस हो चुके हैं उनका मैं दिल से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। और जो नहीं हो पाए वो और ज़्यादा मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपने उनकी तुलना में थोड़ी कम मेहनत की है। मेहनत सभी करते हैं दोस्तों, एफर्ट सभी लगाते हैं, परंतु आपने उनकी तुलना में थोड़ी कम एफर्ट लगाया है। तो अब अगले एग्ज़ाम के लिए अभी से दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से, यदि आप पूरे स्ट्रेटजी के साथ पढ़ें। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।